Hello students, welcome to our new video, and in this video we will discuss about how to prepare for CTET without any paid batch. आप घर पर भी CTET की preparation कर सकते हैं बिना किसी paid batch को खरीदे. तो हम उन्हीं कुछ points पर discuss करेंगे. पहले तो क्या exam कब होगा CTET का? First exam कब हो सकता है? As you all know कि exam कब होता है? जुलाई में होता है तो या दूसरा और second कब होता है? दिसंबर में. तो जो एग्जाम जुलाई में होगा तो उसके फॉर्म्स नियर और अप्रैल में आ जाएंगे. उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे और आपका एग्जाम जुलाई के जुलाई में हो जाएगा. अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट विदाउट एनी कोचिंग. पहला, आपने जो भी किया है, जैसे आपका बी एड, जैसा मान लीजिए आपने बी एड किया है या आपने बी टी सी किया है, तो आपकी जो बुक्स हैं, नंबर वन पॉइंट, जो आपकी बुक्स हैं खुद की बुक्स ऑफ बी एड या डी एल एड जो भी आप बोले उसको, या बी टी सी कुछ भी बोले, उसकी जो बुक्स हैं आप उन्हीं को पढ़ना प्रेफर करिए, उन्हीं को पढ़िए. उनको पढ़ेंगे तो आपकी जो पैडागोजी की अप्रोच है वो डेवलप होगी. सेकंड, मॉक टेस्ट ऑफ सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जिसको करके आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपको ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से देना है. क्योंकि पहले क्या था, एग्जाम ऑफलाइन था तो इजी था करना, लेकिन अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे एग्जाम देने जाते हैं सीटेट का जिनका पहले ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं होता. तो उन लोगों के लिए क्या किया है सीटेट ने, अपने अपनी साइट पर एक मॉक टेस्ट दे रखा है. मॉक टेस्ट दे रखा है, आपको ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, उस दिखाते हैं कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है. सबसे पहले आप टाइप करेंगे सीटेट गूगल में जाके, फिर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे. सबसे नीचे आपका आएगा मॉक टेस्ट, ये आ गया. फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, इनको आप नोट कर लेंगे कहीं पर, क्योंकि ये पेज नहीं होते, इनको आप नोट कर लेंगे क्योंकि वहाँ लिखना पड़ता है. देन इनको लिखकर हम आगे बढ़ेंगे और फिर उनको यहाँ पुट करेंगे सब चीज़ों को. पहले रोल नंबर डालेंगे अपना, सी टेट से लिखेंगे. रोल नंबर डालने के बाद फिर आपका टेस्ट ओपन होगा. जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, अपना रोल नंबर देखिए. रोल नंबर डालने के बाद फिर मैं अपना पासवर्ड उसमें दिया था 1234 वो यहाँ एंटर करना है. नेक्स्ट उसके बाद एक पिन होता है, वो पिन जैसे आपको वहाँ पिन मिल वहाँ पर एक पिन मिलता है आपका जो ऑनलाइन सेंटर होता है, तो यहाँ पर पिन होता है 4 बार 1. तो उसके बाद आपको ये साइट खुल जाती है, इस साइट, ये बिल्कुल ऑफिशियल इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर वहाँ मिलेगा. तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम देना है. तो ये आपका घर पर प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट देने का, आप उसे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें घर पर, ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम देने के यूज हो पाए, ताकि आपको वहाँ जाकर ऐसा ना लगे कि आप पहली बार ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए, जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं उतनी प्रैक्टिस करिए. फोर्थ, ऑब्जर्व चिल्ड्रन नियर बाय यू. जितने भी बच्चे आपके आसपास रहते हैं उनको ऑब्जर्व करिए. अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो उसको ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे बिहेव करता है, किस किस कंडीशन में किस किस तरह से बिहेव करता है. तो उससे क्या है कि आप रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जो क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली कर पाएंगे. तो इसलिए ऑब्जर्व जितना चाइल्ड को करेंगे उतना अच्छा रहेगा. फिफ्थ पॉइंट है पैडागोजी. आप पैडागोजी पर फोकस करेंगे तो आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भले गलत हो जाए लेकिन आपके पैडागोजी के क्वेश्चन ठीक होंगे. कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका सीटेट पेपर वन तो पास हो जाता है, सीटेट पेपर वन तो पास कर लिया उन लोगों ने, पेपर वन तो पास हो गया, बट वो हमेशा सीटेट पेपर टू में फेल हो जाते हैं. ऐसा बहुत लोग होंगे आपके साथ, आपके वो फेल हो जाते हैं उसमें. तो उनको क्या करना है, जो लोग सीटेट पेपर टू में फेल होते हैं उनको अपनी पैडागोजी स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, क्योंकि आधा पार्ट तो पैडागोजी से आता है. तो आप पैडागोजी में अच्छे नंबर, आप मार्क्स अच्छे नंबर गेन करेंगे तो आप इजीली उसमें भी पास हो सकते हैं. तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी सीटेट को लेकर, अब तो बहुत गाइडेंस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर. मैंने केवल 4 दिन प्रीवियस ईयर के टेस्ट दिए थे, क्वेश्चन किए थे, उससे मेरा सीटेट क्लियर हो गया था. आपको, आपको तो आपको भी क्या करना है,
जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको वो करने हैं, चिल्ड्रंस को ऑब्जर्व करना है, और आपके जो बुक्स हैं बीएड की और बीटीसी की उन्हीं बुक्स को पढ़िए, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं। ऐसा नहीं कि आप पेड वर्ष ले रहे हैं, क्योंकि पेड वर्ष जब भी फॉर्म आता है तो पेड वर्ष वाले आ जाते हैं लेकर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आप जानते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जब वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे तब उनका नाम लूंगा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आप जानते हैं। तो आप उन प्लेटफॉर्म से अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपका सीटेट 100% क्वालिफाई होगा, अगर आप अभी से लगेंगे तो। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म निकल गए फिर जब एडमिट कार्ड आ गया तब आप रेडी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे सीटेट की तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में।